नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक मुलाकात और मैं हूं योगेंद्र। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं पूर्व राजस्थान विधानसभा की स्पीकर सुमित्रा सिंह जी। मैडम, आपका जन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि राजस्थान में ऐसे चार लोग हैं अब तक जिन्होंने 9 बार विधानसभा के चुनाव जीते, जिनमें से एक सुमित्रा सिंह जी हैं, परशुराम मदेड़ना जी हैं, भैरव सिंह शेखावत और हरदेव जोशी जो 10-10 बार MLA रहे, वो सौभाग्य सुमित्रा सिंह जी को भी प्राप्त हुआ। मैडम, आप लंबे समय से 1957 का शायद आपने पहला चुनाव लड़ा, तब से आप MLA रही, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव भी आपने लड़ा। राजनीति उस वक्त की, क्योंकि 1952 में पहला आम चुनाव विधानसभा का हुआ, उसके बाद 57 में तो दूसरा चुनाव आपने लड़ा, कैसा लग रहा है आपको आज की स्थिति में? उस वक्त आपके सामने जॉब के ऑप्शंस भी खूब खुले थे, तो आपने राजनीति को चुना, क्या सोच के आपने चुना राजनीति? राजनीति को मैंने चुना तो नहीं था, वैसे मेरे पिता जो हैं वो फ्रीडम फाइटर थे, जेल, उनको जेल हुई, जेल में उनको टीबी हो गई और टीबी से 1947 में बिफोर इंडिपेंडेंस ही डाइड। लेकिन मैं तो बनना चाहती थी लेक्चरर, महारानीज कॉलेज। मेरा फर्स्ट डिवीज़न हिंदी लिटरेचर में केवल 5 नंबर से गया है और मैं तो चाहती थी कि मैं अध्यापन का काम करके और कुछ जिसे कहना चाहिए अपने जीवन को सार्थक करूं, पढ़ा के बच्चों को। लेकिन वो कहते हैं ना कि गॉड मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस, द लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। मेरे साथ तो वही बात हुई कि मैं यहाँ पर आई और मैंने एप्लीकेशन दी अपनी लेक्चरशिप के लिए, नहीं मुझे उस समय हो सकी क्योंकि उस समय ना तो कोई इंटरव्यू का प्रोविज़न था ना कुछ और था, उस समय तो सीधे यूं ही नियुक्ति मिलती थी। लेकिन कुंभाराम जी से जब मैं मिली तो कुंभाराम जी ने एक शब्द कहे, उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा, अरे ये 1,00,000 रुपए की छुरी से कहाँ 200-250 रुपए की नौकरी करवाएगा, ये कोई नौकरी करने के लिए नहीं पैदा हुई है, ये तो हुकूमत करने के लिए पैदा हुई। और जब उन्होंने ये शब्द कहे तो हम भी हुकूमत के सपने देखने लगे। और 1957 में मेरे फादर इन लॉ भी फ्रीडम फाइटर थे और मेरे ससुर नहीं, मेरे फादर इन लॉ ने ही मुझे, जिससे कहना चाहिए, एक तरीके से इस बात के लिए तैयार किया कि मैं राजनीति में आऊं। कुमाराम जी ने मुझे पहली बार टिकट दिलाई 57 में और मैं 57 में चुनाव मेरे पिता के नाम पे और मेरे ससुर के नाम पे जीत गई। वो आपका पहला चुनाव था। पहला चुनाव। उस वक्त की राजनीतिक स्थितियों को आज की तुलना में हम देखें तो क्या पाती हैं? बहुत फ़र्क, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब तो लगता है मुझे कि जैसे मैं स्वयं ही राजनीति के लिए ऑब्सोलीट हो गई हूँ, मुझे तो खुद ऐसा लगने लगा है। उस समय व्यक्ति का काम, व्यक्ति की परफॉर्मेंस, व्यक्ति का करेक्टर, व्यक्ति की एक्विंटेंस जनता के साथ, लिविंग संपर्क जनता के, जीवन संपर्क जिसको कहते हैं, लिविंग कॉन्टैक्ट, ये सब बात थी। लेकिन आज वो बात नहीं है। अब ना कोई काम की पहचान है, ना कोई डेवलपमेंट की पहचान है, ना असेंबली की परफॉर्मेंस का सवाल है, ना आपके करेक्टर का है और ना आपके लिविंग कॉन्टैक्ट का है। अब तो केवल पैसा पैसा, जिसके पास पैसा है, पैसे के बलबूते पर चुनाव जीत के आते हैं लोग, बहुत से लोगों को देखा मैंने। जैसे कि आपने कहा कि प्रतिस्पर्धा तो उस वक्त भी हुआ करती होगी, लेकिन लोगों में जो आमने सामने जैसे चुनाव लड़ते थे या पार्टी में भी लोग होते थे, MLA चुन के आते थे, सामने एक जीतता था एक हारता था, उस वक्त लोगों की धारणा क्या होती थी, भावनाएं क्या हुआ करती थी? देखिए उस समय समय बहुत बड़प्पन था और उस बड़प्पन के नाते आपस में मिलते भी थे, चुनाव के दौरान भी मिलते थे तो नमस्कार करते थे, पूछते थे भाई कैसा क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय जिसे कहना चाहिए एक तरीके से चुनाव के, आज के चुनाव में और उस वक्त के चुनाव में अंतर ये हो गया है कि अब तो जैसे असेंबली में भी मैंने देखा कि पहले एक दूसरे की खूब जिसे कहना चाहिए आलोचना होती थी, करते थे, लेकिन बाहर निकल के वैसे के वैसे, अब वो बात नहीं है।
ऐसा लगता है जैसे मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर वो बड़े दिल वाली और बड़प्पन वाली बात रह नहीं गई, ऐसा लगने लगा है। नैतिकता का पतन होता जा रहा है। नैतिकता का पतन तो हो ही रहा है जी। तो इसकी वजह हमारे में नैतिक मूल्य तो अब खत्म ही होते रहे ही नहीं है नैतिक मूल्य। इसकी वजह क्या मानी जाए? इसकी वजह तो अब क्या, कई बातें हैं, कोई एक बात तो है नहीं। कुछ इस तरह के लोगों का आना राजनीति के अंदर, अपराधियों का भी आना, बहुत पैसे वालों का पैसों के बलबूते पे जीत के आना, और फिर जिसे कहना चाहिए नैतिक मूल्यों का ह्रास। हम हर चीज़ में तो पश्चिमी देशों की नकल करने लगे, हर बात में तो नकल करने लगे। ये सब बातें हैं जिन्होंने हमारे नैतिक मूल्यों का धीरे धीरे एकदम ख़त्म कर दिया। राजनीति में अपराधीकरण और पैसा दोनों को लेकर के काफ़ी मीडिया ने भी उठाया, जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी उठाया कि भाई ये मिश्रण ठीक नहीं है, राजनीति में अगर अपराधियों का मिक्स अप होंगे तो हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे। लेकिन राजनीतिक दलों की सोच होती है कि एन केन प्रकेन किसी भी तरह से जीतने वाला कैंडिडेट उनके सामने होना चाहिए, वो चाहे कुछ भी हो। देखिए ऐसा है, तब में और अब में एक अंतर है। उस समय जातिवाद हावी नहीं था। 52 और 57 के चुनाव में मैंने देखा है कि चाहे जाति, जिस निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी जाति का बाहुल्य हो, लेकिन पार्टी के नाम पे लोग वोट देते थे। और धीरे धीरे जब राजनीतिक पार्टियों ने ये सोचना और ये करना शुरू कर दिया कि चूंकि इस जाति का बाहुल्य है इसलिए इस जाति के व्यक्ति को वोट चुनाव में टिकट दी जाए, तब जाति का प्रबल जिसे कहना चाहिए हो गया है, अब प्रभाव हो गया। लेकिन अभी भी जातिवाद भी बहुत हावी है, बहुत हावी समीकरण है। भी देखते हैं खुद ही मानती हूँ किस जाति के लोग हैं, किसका कितना वोट बैंक होगा, किस तरह से अगर किसी ने ब्राह्मण को दे दिया तो फिर दूसरी पार्टी सोचती है मुझे जाट को देना है, जाट में तो मीना को देते हैं, इस तरह से भी स्थितियाँ बनती जा रही हैं। तो फिर सुधार कैसे होगा? यही मुश्किल है कि सुधार आखिर होगा कैसे। ये तो सब पार्टियाँ मिल करके जब तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लेंगी, जब तक एक पार्टी कभी सुधार नहीं। मैम कभी भी कोई राजनीतिक दल आप देख सकती हैं, बहुत सीनियर लीडर रहा, जब भी किसी पार्टी का गठन हुआ तो उसकी एक विचारधारा रही, उस विचारधारा के आधार पे ही अपने मैनिफेस्टो या जो भी अपनी बात जनता के पटल पे जो रखनी है उसके आधार पे गए। आज आपको लगता है कि विचारधारा राजनीतिक दलों की स्थिति में कुछ रह गई है? नहीं, अब ऐसा है ना कि चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मैनिफेस्टो बढ़ चढ़ करके लोगों को जिसे कहना चाहिए आप उसमें लिख देते हैं और तरह तरह के भरोसा दिलाते हैं, तरह तरह के भरोसा दिलाते हैं, तरह तरह के वायदे करते हैं, उनमें से आधे भी पूरे नहीं हो पाते हैं, और फिर आप पहुंच जाते हैं, जनता फिर भ्रमित हो जाती है, फिर भ्रमित होकर वोट देती है। तो जनता के सामने ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऑप्शन नहीं बचता है, कि जैसे कि कोई कहते हैं कि कई बार इस तरह के जुमले आप सुनते भी होंगे, आप तो बहुत सीनियर हैं हमसे, कि कई बार कहा जाता है कि एक चोर है दूसरा डकैत है, अब हमारे को इसमें से चुनना है। कई बार आपने सुना होगा इस तरह की स्थितियां भी बनती हैं। ये जनता जो है लेसर इविल प्रिफर करती है, लेसर इविल को चुनती है, उनको लगा कि दोनों ही इविल हैं तो लेसर इविल कौन सा है उसको चुन लेगी। नीचे से देखते हैं फिर कि जिसके ठीक का मैम आपने हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आज मतदाताओं में युवा मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, एक साल में चुनाव होने वाला है, लगभग 11 महीने से 12 महीने के बीच का वक्त अब बचा है यहाँ पे चुनाव होने में, तो निश्चित रूप से जिज्ञासा भी होगी कि उस वक्त में चुनाव कैसे हुआ करते थे, पहला चुनाव कैसे हुआ था, आपने लड़ा नहीं देखा होगा लेकिन उस वक्त में तो क्या स्थितियाँ हुआ करती थी उस वक्त के चुनाव की? पहले चुनाव के समय तो मैं पढ़ रही थी, मैं पहले चुनाव के समय तो MA फाइनल में थी, 52 में मैं थी, MA प्रीवियस में, क्योंकि 53 में मैंने MA किया फाइनल, तो उस समय तो मैं पढ़ती थी, महारानी कॉलेज में रहती थी, महाराजा कॉलेज में पढ़ती थी जी। तो उस समय का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन 57 के चुनाव का तो मुझे मालूम है। उस समय तो अलग ही तरीका था, वोट पे कोई निशान नहीं लगता था, केवल आपको वोट दिया जाता था और पेटियों पे नाम हुआ करते थे। 57 में पेटी पे हर कैंडिडेट का नाम होता और उसको ले जा करके और पेटी में व्यक्ति डालता था, तो चूंकि वो दूसरा ही चुनाव था, कई महिलाएं ऐसी थी जो उसके ऊपर पेटी के ऊपर अपना रखाती थी और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जा करके जिसकी मर्जी आती उस पेटी में डाल देता था। उस समय तो ऐसा था।
समय तो ये पता भी नहीं लग पाता कि वाकई उसकी इच्छा क्या थी, किसको डालना चाह रहा था। जी, ये जो इतना खेल हुआ कि कहीं पे पैसे बांटे जाते हैं, कहीं पे शराब बांटी जाती है और जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, ये दौर कब से शुरू हुआ? ये दौर शुरू हुआ 77 से पहले, मैंने ये सब नहीं देखा था 77 के बाद। सच पूछिए तो विधानसभाओं के अंदर भी और पार्लियामेंट में भी ये जो कुछ डिटोरेशन हो रहा है धीरे धीरे, ये शुरुआत इसके 77 के बाद ही हुई है, 77 से पहले नहीं। 77 से पहले भैरव सिंह जी, आपके मोहनलाल जी सुखाड़िया जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन पे तरह तरह के चार्ज उन्होंने कई बार लगाए, लेकिन कोई नहीं बोलता था बीच के अंदर, कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करता था। और फिर सुखाड़िया जी खड़े होकर के और सब बातों का जवाब दिया करते थे। आप मुझे ताज्जुब करेंगे, यदि आप विधानसभा की पिछली कार्यवाही देखें तो आप ताज्जुब करेंगे कि सतीश चंद्र जी अग्रवाल ने एक बार विधानसभा में सुखाड़िया जी पे आरोप लगाते हुए ये कहा था कि इस राजस्थान के अंदर पहले मुख्यमंत्री बने हीरेलाल जी शास्त्री, तो हीरेलाल जी शास्त्री ने कहा कि मैं तो नहीं खाऊंगा लेकिन तुम खा सकते हो, तो हीरेलाल जी की थोड़े दिनों बाद छुट्टी हो गई। उसके बाद आए टीकाराम जी पालीवाल, तो टीकाराम जी पालीवाल ने कहा कि भाई मैं भी नहीं खाऊंगा और तुम्हारे खाने में भी थोड़ी मैं अड़चन करूंगा, इसलिए थोड़े दिन बाद उनकी भी छुट्टी हो गई। फिर आए जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो सबसे पहले छुट्टी हुई 9-10 महीने बाद ही उनकी छुट्टी हो गई। और उसके बाद आए मोहनलाल सुखाड़िया, तुम भी खाओ मैं भी खाऊं और चल रहे हैं, 15 साल हो गए, आज बदस्तूर मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये असेंबली की प्रोसीडिंग्स के अंदर लिखा हुआ है अग्रवाल सामने, जो अग्रवाल साहब सतीश चंद्र अग्रवाल ने। लेकिन कोई हंगामा नहीं, कुछ नहीं हुआ। और फिर मोहनलाल जी सुखाड़िया ने अपना जवाब दिया और जवाब देने के बाद उनको निरुत्तर कर दिया बिल्कुल आपके सतीश चंद्र जी अग्रवाल साहब को, और तब शांतिपूर्वक सब बातें होती थी। उन्होंने कहा कि या तो आप प्रूव करें कि मैंने क्या खाया और क्या मैंने खाने दिया, या तो आप प्रूव करें, या इस तरह की आप इल्ज़ाम लगा करके और आप खामखा के अंदर विधानसभा का समय नष्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। फिर वो चुप हो गए। तो मैंने कहा एक समय था, लेकिन आज जिस तरह का चल रहा माहौल उसके अंदर क्या मजाल, उस समय ना तो 173 था, अब तो नियम 173 में ये है कि पहले आप नोटिस दीजिए और नोटिस दे के आप किसी के खिलाफ कोई चार्ज लगा सकते हैं, लेकिन उस समय ये नहीं था, 173 भी नहीं था, इसलिए जिसकी जो मर्जी आए वो बोलते थे और जवाब मिलता था, और जवाब माकूल जवाब मिलने के बाद चुप भी होते थे। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब एक तो हम लोगों की टॉलरेंस ख़त्म हो गई है, सहिष्णुता नहीं रही लोगों में। अब कोई बात को कई, मैंने तो देखा कई बार कि अगले की बात को कंप्लीट ही नहीं करने देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच में ही खड़े होकर के और अपने जिसे कहना चाहिए विधानसभा को एकदम ऐसा कर देते हैं, तमाशा बना देते हैं। तो आप सुन रहे हैं विधानसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा सिंह जी को, और इनसे एक मुलाकात जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हमारे साथ हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी। मैडम, आप बता रही थी कि सदन की जो कार्रवाई है उसका भी जो जिस तरह से भाग लेना चाहिए, या जो अमूल्य समय है असेंबली का, उसका यूज ज्यादा से ज्यादा तरीके से हो, लेकिन गतिरोध के कारण उसे भी कई बार, मैम ये विधानसभा की स्थिति नहीं है और केवल राजस्थान की नहीं है, आप देख सकती हैं सभी राज्यों में क्या स्थितियां हैं, ना केवल राज्यों की असेंबली की, पार्लियामेंट की स्थितियां भी यही बनती जा रही हैं कि हाँ हंगामा और ये सब चीजें हैं। बिल्कुल सही बात। आखिर ये जो गतिरोध है जब तक बना रहेगा किसी स्थिति का रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे और समय जाया होता रहेगा, तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? आप लोग, आप विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, कई बार मिलने का मौका भी मिला होगा, लोकसभा अध्यक्ष से भी आप मिली होंगे, तो किस तरह से ये गतिरोध को दूर करके और ज्यादा से ज्यादा सदन में बैठ के हो सके? इसका तो एक ही हल निकल सकता है, इसी तरह से हल निकल सकता है कि स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हो, और स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की जो जिसे कहना चाहिए उनकी
हिदायतें हों या उनके जो जो कहना चाहते हैं वो लोग करना चाहते हैं, उन सब बातों को राज्य भी सरकार माने, पार्लियामेंट के अंदर भी भारत सरकार भी, केंद्रीय सरकार भी उन्हें माने और राज्यों की सरकार भी माने, उन सिफारिशों को जो सिफारिशें नीचे से आई हैं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की, उनको माना जाए, तब जाके कोई परिणाम निकल सकता है, चर्चाएं हों इस पर, तभी कोई स्थितियां बन सकती हैं। अभी की असेंबली आपकी रही हैं, स्पीकर रही हैं, स्पीकर रहते रहते आपने ऐसी कौन सी स्थितियां थी जिनका सामना करना पड़ा और आपको भी बड़ी तकलीफ रही हो कि यही स्थितियां देखने को मिल रही हैं मुझे? एक दो बार हुआ ऐसा, लेकिन उस समय कोई ज़्यादा ऐसी बात नहीं हुई, एक दो बार तो हुआ और उसको हमने तत्काल फिर ठीक भी किया, बुलाया भी गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री जी को भी बुलाया, नेता प्रतिपक्ष को भी बुलाया और तीन चार जो और बहुत महत्वपूर्ण जिसे कहना चाहिए उनके सदस्य थे उनको भी बुलाया, और जैसे सीपी जोशी थे उस समय प्रतिपक्ष में, तो सीपी जोशी भी आते थे, कल्ला साहब थे, सीपी जोशी थे और नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री और कैबिनेट के एक दो और सदस्य और मिल करके और कर लेते थे फैसला। लेकिन अभी जो असेंबली है आप सुनती भी होंगी, कभी देखने का भी अवसर मिलता होगा, स्थितियां गतिरोध बना रहता है, असेंबली खत्म ही हो जाती है लेकिन वो गतिरोध नहीं टूटता है, इसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि गतिरोध तो अभी भी आप देख सकते हैं कि ये जो गतिरोध बना रहा ये टूटा नहीं, उसके लिए तीनों ही जिम्मेदार हैं, नेता प्रतिपक्ष भी जिम्मेदार है, तो मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार हैं, तो अध्यक्ष भी जिम्मेदार हैं, इन तीनों ही मिलके कोई करें काम करेंगे, तीनों मिलजुल करके कोई फैसला करें तब होगा, निदान तो तब निकलेगा। पहली बार मैडम विधानसभा में 108 के आसपास ऐसे सदस्य हैं जो पहली बार जीत करके और हाउस में पहुंचे हैं, उन्हें पहली बार मौका मिला है, आगे क्या होगा जनता जनार्दन है, कोई फोरकास्ट नहीं कर सकते हम, लेकिन उनका अक्सर पर्दे के पीछे पे कहना होता है कि हमें डिबेट में भाग लेना था, हमें सीखने का अवसर है, लेकिन जब सीनियर से इस तरह की स्थितियां बना रहे हैं तो हम क्या सीखेंगे, ये सब स्थितियां हैं। तो अगर बात करें भविष्य की तो लोकतंत्र पे क्या मानती हैं? ऐसा है, दोनों ही की ईगो, दोनों की तरफ ईगो ही काम कर रही है और दोनों प्रतिपक्ष को भी और सरकार को भी अपनी ईगो ख़त्म करके, और जब तक विधानसभा जितनी चलेगी ये देखिए सरकार के भी हित में है, क्योंकि सरकार की जो नाकामयाबियां हैं उन नाकामयाबियों को लोग कहते हैं यहाँ पे जनहित की बात, जनहित के मुद्दे पे जब चर्चा होगी तो जनहित के मुद्दे पे चर्चा होकर उसका कुछ न कुछ निदान निकलेगा, सॉल्व होगी समस्या, तो ये सरकार के भी हित में है। ये मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों नहीं चलाना चाहती, और प्रतिपक्ष के भी हित में है कि प्रतिपक्ष भी जनहित के मुद्दों को उठाए ताकि जनता के बीच में एक संदेश जाए कि हमने जिनको चुन के भेजा है और जो विपक्ष में बैठे हैं वो हमारी बात को बहुत अच्छे तरीके से उठा रहे हैं, दोनों को ही फायदा है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही बात जी। मैम ये तो आपने राजनीतिक स्थितियों की बताई ही जो असेंबली से जुड़ी बातें हैं, मेरे कुछ सवाल आपके ऐसे क्योंकि राजनीतिक अनुभव है, सरकार 4 साल पूरे करने जा रही है जी, 13 तारीख को 4 साल पूरे हो जाएंगे, इसको किस दृष्टि से देखती हैं? 4 साल के अंदर सरकार ने तो साल भर बाद ही जिसे कहना चाहिए अपनी इस तरह की स्थिति बना ली थी कि आम जनता और ब्यूरोक्रेसी दोनों में ये एक तरीके संदेश चला गया कि ये सरकार अगली बार नहीं आएगी, ये सरकार अगली बार नहीं आएगी, और जब ये संदेश चला जाता है तो ब्यूरोक्रेसी भी थोड़ा जिसे कहना चाहिए उतने मन से काम नहीं करती है और उतना निष्ठावान तरीके से काम नहीं करती है, और जनता में जब ये बात हो जाती है कि ये सरकार नहीं आएगी तो फिर जनता भी दूसरे तरीके से सोचने लग जाती है। तो इस सरकार के लिए तो साल भर बाद ही शुरू हो गया था ये सरकार अब नहीं आएगी, अगली बार नहीं आएगी। दूसरा, जैसे कोई भी गवर्नमेंट हो, आपकी भी सरकार रही है, आपको लंबा अनुभव भी है, लास्ट का जो साल होता है उसमें तो ये बात आ जाती है, उसमें क्या स्थितियां होती हैं? नहीं, लास्ट के अंदर तो देखिए ऐसा होता है कि ब्यूरोक्रेसी के दिमाग में जब ये बात आती है कि ये सरकार नहीं आएगी तो विपक्ष की बात को ज़्यादा महत्व देता है। देखिए मैं आपसे बताऊँगा, तो ये बात तो होती है आखिरी साल में जब ये महसूस हो जाए कि नहीं आएगी, जैसे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में लास्ट तक लोगों के दिमाग में ये बात थी ये सरकार फिर रिपीट होगी, इसलिए ब्यूरोक्रेसी भी बिल्कुल हुक्म में चलती थी
और जनता के दिमाग में भी थी कि भाई वसुंधरा जी वापस आएंगी, ये तो भाग्य की बात है कि वो नहीं आ पाई। तो लेकिन इस सरकार के बारे में तो साल भर बाद ही शुरू हो गया था ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। आज अगर हम बात करें राजस्थान में क्या स्थिति है, अगर बीजेपी कांग्रेस की दोनों की बात करें? आज के दिन तो स्थिति ये है कि बीजेपी कम से कम 140 सीट ले जाएगी। आज के दिन तो स्थिति है, मैं नहीं कह सकती कि साल भर साल तक इस ये माहौल बना रहेगा। डिटोरेशन भी हो सकता है, इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, डिटोरेशन भी हो सकता है, लेकिन आज स्थिति यह है कि आज चुनाव यदि होता है तो बीजेपी की 140 सीट आती है। अब 9 बार एमएलए तो चुनी भी रही हैं, 10 बार केवल 2 लोग ऐसे राजस्थान में रहे, हरदेव जोशी जी और भैरव सिंह जी शेखावत, जो 10 बार विधायक बनने का सौभाग्य मिला। क्या एक बार उस मंजिल तक पहुँचने का प्रयास करेंगे? प्रयास तो करूँगी, क्यों नहीं करूँगी, चुनाव लड़ना है अगली बार, इरादा है, पार्टी टिकट देगी तो जरूर लड़ूंगी, क्यों नहीं लड़ूंगी। राजस्थान में बीजेपी में भी काफी डिफरेंसेस हैं, आप भी काफी सीनियर हैं, तो ये सब चीजें दूर करने की कोशिश नहीं, सब दूर करने की कोशिश हो भी रही है और मेरी समझ में हो भी जाएगी, दूर हो जाएगी ये सब। और वसुंधरा जी निर्विवाद नेता हैं इस प्रदेश की, और मेरी समझ में उनके नेतृत्व में निश्चित तौर से अगली बार बीजेपी की सरकार बनेगी। जी दूसरा मैडम, जिस क्षेत्र से आप चुनकर के आती हैं, शेखावाटी क्षेत्र से, शेखावाटी की अपनी एक पहचान रही है, वहाँ सौहार्द भी रहा है, लेकिन अभी स्थितियाँ बड़ी विकट हैं वहाँ पे, जातिवाद की वैमनस्यता बहुत ज़बरदस्त फैली हुई है, तो इसको लेके क्या मानना आपका? देखिए, जो जनप्रतिनिधि है वो कभी जाति के आधार पे न तो चुना जाता है और न वो सोचता है। जी मैं समझती हूँ यदि थोड़ी बहुत बात इस समय कुछ बात यदि है तो शायद मेल मिलाप से दूर करने का प्रयत्न करेंगे और मेरे समझ में हो भी जाएगी दूर। कोशिश तो हमारी यही होगी कि उसे दूर किया जाए। अभी साल भर जैसे बचा हुआ है, तो कोई पार्टी में दिशा निर्देश या कुछ आप लोगों के सीनियर लीडर से कोई बातचीत चल रही हो कि हमें क्या करना चाहिए? नहीं, अभी तक तो देखिए ऐसा है, अभी समय है और समय में अभी तय होगा क्या है क्या नहीं है। अभी तक तो इस मौजूदा सरकार की नाकामयाबियों को, जिसे कहना चाहिए, देखते हुए कई बार प्रदर्शन भी किए हैं, कई बार धरना भी दिया है, और आवश्यकता होगी तो फिर किया जाएगा। तो अभी तो यही है, लेकिन आगे के लिए क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए इस बारे में तो अभी फैसला होना बाकी है। एक सवाल है मैडम, आपके वक्त भी ये मांग बहुत उठी थी और अभी भी कई बार ये चर्चाएँ हो जाती हैं, संसदीय सचिव जो हैं उन्हें प्रभारी मंत्री का दर्जा दे दिया जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री और दिलाता है संसदीय सचिव को, तो ये अभी तक भी एक जो गैप है और डिफरेंस है कि ये कि बीजेपी भी इस बात का विरोध किया अभी कि संसदीय सचिव को प्रभारी मंत्री आप नहीं बना सकते, क्योंकि कांग्रेस ने भी उस वक्त विरोध किया था, तो ये मामला कैसे निपट सकता है? ये बात मेरे भी कुछ समझ में नहीं आती है कि संसदीय सचिव जो हैं वो मंत्री तो हैं नहीं। जी संसदीय सचिव तो केवल मंत्री को, जिसे कहना चाहिए, सहायता देने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए नियुक्त होते हैं, और जो संविधान की ओथ नहीं लेता है वो मंत्री नहीं कहला सकता है। और मंत्री नहीं होता जब तक आप वो काम नहीं कर सकते, उन फाइलों को भी नहीं देख सकते हो संसदीय सचिव होने के नाते। तो ये परंपरा नहीं डाली जानी चाहिए कायदे से, तो, क्योंकि संविधान पर जो चीजें संविधान ये संवैधानिक संविधान के खिलाफ जो आप जो कुछ भी कर रहे हो वो तो संविधान के तरह से अवहेलना है। मेरा आखिरी सवाल है मैम, आपकी हॉबीज क्या रही, क्या आपको अच्छा लगता है? देखिए अब मैं और तब मैं बहुत हॉबीज में फर्क पड़ गया। वैसे मेरी हॉबी जो है वो है हॉर्टिकल्चर और अध्ययन और जनसंपर्क, ये मेरी तो पहले तो हॉबी और थी, जब थे तो जैसे बैडमिंटन खेलती थी मैं यहाँ, पहले उससे पहले घुड़सवारी करती थी, लेकिन अब जो है अब हॉर्टिकल्चर में मेरी बहुत, जिसे कहना चाहिए, यहाँ फार्म है मेरा, 1958 में ख़रीदा था मैंने, उसके अंदर आप देखिए मैंने सब तरह के पेड़ लगा रखे, स्वयं ने खुद ने लगाए वो पेड़, और मैं हर 5-7 दिन में जाती हूँ वहाँ, देख के आती हूँ क्या है क्या नहीं, तो ये मेरी हॉबी है।
बहुत अच्छा मैडम, आप पर्यावरण प्रेमी भी है, बहुत अच्छा लगा। और हम सबको होना भी चाहिए कि पर्यावरण से हम सब लोगों की दोस्ती हो और ज़्यादा से ज़्यादा इस ओर ध्यान दें। मैम, आपने इतना वक्त दिया एक मुलाकात में हमारे साथ में, आप जुटे स्टूडियो आए और अब एक मुलाकात